रिसेंटली मैंने पांडा माउस प्रो पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और आप लोगों का कमेंट कि भाई कन्वर्टर्स को भी याद कर लिया करो। और कुछ दिन पहले मैंने 4-in-1 कॉम्बो पैक पे वीडियो बनाया था और उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स भाई साहब। तो आज मैंने फिर से वही कॉम्बो पैक को ऑर्डर कर दिया है, तो देखते हैं कि इसमें कौन सी इंप्रूवमेंट हुए हैं, सारा कुछ चेक करेंगे, सेंसिटिविटी, फास्ट इमोट, मैक्रो, ये वर्थ इट है या फिर नहीं। तो चलो डब्बा खोल लेते हैं। तो ये रहा हमारा डब्बा 4-in-1 मोबाइल गेमिंग कॉम्बो पैक का। तो आप करते हैं इसे भी ओपन और उसके बाद इसके अंदर का देखो, ये देखो भाई इतना सारा कंपोनेंट इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे देखो टॉप पे ही आप लोगों को एक कन्वर्टर, साथ में एक स्टैंड और यहाँ पे एक टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है एक गेमिंग माउस एंड देन फाइनली हमारा कीबोर्ड वन हैंडेड। ओके, और उसके बाद कुछ नहीं, खाली डब्बा। ये रहा इसका सारा कंपोनेंट्स और इसमें हमें 4 डिवाइसेस देखने को मिलता है जिसमें एक मोबाइल स्टैंड भी है। तो यहाँ पे सबसे मेन तो ये रहा हमारा गेमिंग माउस। उसके बाद छोटे से पोर्टली में हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जो बहुत लंबा है, यूज़र मैनुअल। एंड हमें मिक्स प्रो गेमिंग ब्लूटूथ कन्वर्टर के साथ साथ एक मोबाइल स्टैंड भी देखने को मिल जाता है। एंड व्हाइट घूंघट के अंदर में हमारा 4-in-1 गेम कॉम्बो पैक का लास्ट कॉम्पोनेंट आ जाता है, 100 RGB गेमिंग कीबोर्ड। सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा मिक्स प्रो गेमिंग कन्वर्टर और ये कन्वर्टर आप लोगों को पूरा फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाता है। और ऊपर का एक टेक्सचर देखो, डिज़ाइन देखो भाई, नेक्स्ट लेवल है। ऊपर की साइड टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को 5 वोल्ट का चार्जर का यूज़ करके पावर देना होता है। और साइड में यहाँ पे 2 और पोर्ट है तो इसमें आप लोगों को अपना कीबोर्ड एंड माउस को अटैच करना होता है। और ये वाले पोर्ट में आप लोग गेमिंग करते टाइम में अपने फ़ोन को चार्ज ईजिली कर सकते हो। और ये डिज़ाइन पता नहीं भाई कौन से काम में आने वाला है। फ्रंट में आप लोगों को एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे आप लोगों को पावर बटन भी देखने को मिल जाता है। एंड अब आता है हमारा कीबोर्ड और इस कीबोर्ड के ऊपर देखो तो भाई जितने भी बटन है उसमें BGMI का कंट्रोल्स प्रिंटेड है, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई। और ये भी पूरा फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड में आता है और ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। और इस प्राइस रेंज में आप लोग सारा कुछ लेते हुए, 4-in-1 गेम कॉम्बो पैक लेते हुए, आप लोग ये मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में तो भाई सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड के साथ आता है और भाई मेम्ब्रेन कीबोर्ड में भी गेमिंग नेक्स्ट लेवल हो जाती है। बट यहाँ पे मैकेनिकल वाला फील नहीं आएगा, बट यहाँ पे आप लोग गेमिंग करते टाइम में कोई भी इशू देखने को इसमें नहीं मिलेगा। और इसमें भाई रबर वायर का यूज़ किया गया है, ब्रेडेड केबल यूज़ कर लेते तो भाई मेरे ख्याल से अच्छा रहता। और इसमें भाई सिल्वर प्लेटेड USB A पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड अब आता है हमारा गेमिंग माउस और एक बार इस माउस का आप लोग लुक देखो भाई, कितना खतरनाक इसका लुक देखने को मिल रहा है। और इसमें भी भाई आप लोगों को 6 कीज लेआउट के साथ ये माउस देखने को मिलेगा और इसका एर्गोनॉमिक नेक्स्ट लेवल है। जब आप लोग इसको एक बार हाथ में पकड़ोगे तब आप लोगों को ये फील होगा। एंड इस माउस के अंदर ऑप्टिकल सेंसर का यूज़ किया गया है और इसमें आप लोगों को 4-way DPI देखने को मिल जाएगा जो इस बटन से चेंज कर सकते हो, 1200, 1800, 2400 एंड 3200 में DPI स्विच कर सकते हो। और इसमें तो भाई ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाता है भाई, कीबोर्ड के साथ तो गद्दारी हो गया, गद्दारी कर दे। और इस माउस के अंदर भी आप लोगों को सिल्वर प्लेटेड USB A पोर्ट देखने को मिल जाता है। माउस में भी और कीबोर्ड में भी दोनों में आप लोगों को वायर कुछ ज़्यादा ही लंबा देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड माउस दोनों में हमें RGB का सपोर्ट मिलता है तो हमें भाई गेमिंग में पूरा फुल मज़ा आने वाला है। और ये रहा लास्ट प्रोडक्ट, तो ये है मोबाइल होल्डर। और भाई ये इसका क्वालिटी तो पूरा फुल्ली प्लास्टिक है ही, बट ये मुझे पसंद नहीं आया। देखो ये पूरा फुल मतलब धरती से सटा रहता है भाई, मोबाइल पता ही नहीं लगता कि कैसे गेम प्ले करें, कैसे मोबाइल देखे। और इसमें आप लोग एंगल चेंज कर सकते हो बट ये कोई काम का है नहीं, तो इसे भी हम साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा टाइप ए टू टाइप सी केबल जिसके थ्रू हमें अपने मिक्स प्रो को पावर देना होता है। और इसमें भी भाई वायर ठीक ठाक लंबा देखने को मिल जाता है। एंड अब कर लेते हैं कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर। आप लोग इसमें मैक्सिमम 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो आप लोगों का कीबोर्ड माउस तो उड़ेगा ही उड़ेगा और मिक्स प्रो भी उड़ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को 5 वोल्ट 2 एम्पियर के एडाप्टर को आप लोगों को डायरेक्ट टाइप सी वाले पोर्ट में अटैच करना है तो लाइट ब्लिंक होगा, उसके बाद एक साइड में अपना कीबोर्ड एंड दूसरे साइड में माउस को अटैच कर देना है। और कीबोर्ड माउस का कुछ अलग अलग पोर्ट नहीं है, आप लोग किसी में भी चाहो तो कीबोर्ड भी लगा सकते हो और कोई किसी भी चाहो माउस को भी अटैच कर सकते हो। अटैच करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पावर बटन जैसे टैप करोगे वैसे कीबोर्ड माउस में भी लाइट आ जाएगा।
तो अब कर लेते हैं मिक्स प्रो को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जो इस मिक्स प्रो का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, गीक गेमर। तो यहाँ से मैं इसे सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लिया। तो इसे करते हैं ओपन, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ फाइल रिक्वायरमेंट उसे अलाउ कर देना है। एंड यहाँ पर देखो ऑलरेडी ये फ्री फायर को डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन में ही आके और यहाँ से हमें एक अपने मिक्स प्रो को कनेक्ट करना होगा ब्लूटूथ के थ्रू। ओके, ये वायरलेसली इजिली कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू। इसमें वायर्ड मोड भी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे सबसे पहले तो वायरलेस। तो यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए अगर एंड्रॉयड फोन है तो कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करोगे तो सभी स्मार्टफोन के अंदर वर्क कर जाएगा एंड्रॉयड वाले में। कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे iOS 11 से लेके iOS 13.3 तक ये वर्क करेगा। ओके, और यहाँ पे ये कुछ ग्रीन लाइट ब्लिंक होगा। कंट्रोल F3 से यहाँ पे कुछ पिंक लाइट होगा और इसमें आप लोग MediaTek वाले स्मार्टफोन में एक्टिवेट करके इजिली इसमें कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉयड डिवाइसेस। और कंट्रोल F4 से यहाँ पे आप लोगों का रेड ब्लिंक होगा और इसमें वायर्ड मोड से इजिली आप लोग गेम प्ले कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, एंड्रॉयड है, यहाँ पे ब्लूटूथ से मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो कंट्रोल F1 और बेसिकली बहुत सारे स्मार्टफोन में कंट्रोल F1 वाले ही प्रोसेस इजिली वर्क कर जाता है। ओके, आप लोगों के फोन में भी कंट्रोल F1 मेरे ख्याल से इजिली वर्क कर जाना चाहिए। अब यहाँ से मेरा डिवाइस हो चुका है इसमें कनेक्ट। अब यहाँ से हम करते हैं डायरेक्ट अपने फ्री फायर को प्ले। तो फ्री फायर प्ले करने के लिए यहाँ से हम लोग फ्री फायर के एंटर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें 2-3 परमिशन अलाउ करना होगा एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे इजिली गेम रन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और परमिशन ये ले रहा है तो फिर से एंटर करते हैं एंड यहाँ पे ये वाला परमिशन भी इसे अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको बैकग्राउंड का और डिस्प्ले अवर अदर्स ऐप का यहाँ पे परमिशन बेसिकली आपको इसमें देना होगा। एंड जैसे आप लोग ये परमिशन देते हो उसके बाद ये फ्री फायर में डायरेक्ट आप लोगों को ले जाएगा और यहाँ पे एक फ्लटिंग आइकन भी देखने को मिल जाएगा और ID बैन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैंने फ्री फायर नॉर्मली, देखो यहाँ पे ये मेरा गीक गेमर एप्लीकेशन है, इसमें मैंने ऑलरेडी से ओपन करके कनेक्ट किया हुआ है। मैं डायरेक्ट फ्री फायर प्ले करता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरा फ्री फायर प्ले हो रहा है और यहाँ पे फ्लटिंग आइकन आके, ओके, तो यहाँ पे मेरा फ्लटिंग आइकन ये वर्क करेगा और फ्री फायर ये नॉर्मली प्ले हो रहा है। ये कोई क्लोन एप्लीकेशन नहीं बनाता है, क्लोन गेम नहीं बनाता है। तो इसमें आपका ID 110% सेफ है, आप लोगों का ID इसमें बैन नहीं होने वाला है। चाहे आप लोग कोई सा भी गेम खेलो, BGMI खेलो, फ्री फायर खेलो या फिर कोई भी मोबा शूटिंग गेम या कोई भी गेम खेलो, इसमें ID बैन आपका नहीं होने वाला है। ओके, एंड आप लोगों का मैच मेकिंग भी मोबाइल प्लेयर्स के साथ होगा तो भाई रैंक वैंक मस्त खेल सकते हो। अब आता है मेन पार्ट, की मैपिंग। की मैपिंग करने के लिए सबसे पहले तो फ्री फायर में ये वाला कस्टम लेआउट रखना होगा। पूरा फुल कंट्रोल को अपने लेफ्ट साइड में रखो। BGMI में आप लोग जहां हैं वैसे ही रहने, तो डिफॉल्ट तो भी वर्क कर जाएगा। और जब आप लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करते हो गीक गेमर का, तब आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसमें भाई क्लाउड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पे सिलेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आप लोग अगर अपने क्लाउड पे जो भी की मैप सेव करके रखोगे तो उसे आप लोग इजीली यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, फिर से वही की मैप आपका आ जाएगा। तो मैंने भी किया हुआ था तो यहाँ पे मैंने कर लिया। अब चेंज पे क्लिक करते एंड यहाँ पे सबसे पहले तो इस की मैप को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे की मैप करना बहुत ईजी है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं की मैप भी बताऊंगा। तो की मैप करने के लिए आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, एक बटन आ जाएगा यहाँ पे, आप लोग जो भी बटन बाइंड करना हो कीबोर्ड का या माउस का उस की को प्रेस कर दो। लाइक मैं यहाँ पे B प्रेस किया और इसे आप लोग ड्रैग करके जहां भी रखना है वहां पे रख दो तो वो की बाइंड हो जाएगा और जब वो की प्रेस करोगे तो इसी में वर्क करेगा जहां पे आप लोगों ने रखा था। और डिलीट करना हो तो यहाँ पे उस पर क्लिक करके इजिली डिलीट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वो की मैप डिलीट भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं बात करता हूँ इसके मेन फीचर के बारे में कि इस वाले एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से की फीचर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो बेसिक मोड। बेसिक मोड तो आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा कि बेसिक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ओनली सिंपल क्लिक के लिए ये वर्क करेगा। लाइक यहाँ पे कोई भी की मैप करना है तब आप लोग बेसिक मोड पे ही रहने दो और वो की मैप कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये FPS गेम्स के लिए ये वाला सेटिंग पूरा है और यहाँ पे मोबाइल गेम्स के लिए भी एक सेटिंग्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पे स्लाइडिंग का भी कुछ ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग चाहो तो स्लाइडिंग के लिए भी इजीली यूज कर सकते हो। और यहाँ पे प्रेसिंग गन मोड का भी ऑप्शन मिलता है, ये बेसिकली BGMI में
ये रिक्वेल कंट्रोल करने के लिए ये सब वर्क करता है, ओके। और यहाँ पे फाइनली आ जाता है हमारा मैक्रो। तो मैक्रो यूज़ करने के लिए हमें इजिली एडिट मैक्रो पे क्लिक करके यहाँ पे हमें मैक्रो लेना होगा। यहाँ पे आप लोग जितना चाहो उतना मैक्रो बटन ले सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं अभी 2 लेने वाला हूँ, आप लोग 3 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्राउच एंड रन करने के लिए मैक्रो लगाने वाला हूँ, जो एक बटन से क्राउच एंड रन हो जाए। तो यहाँ पे मैं ई बटन को कस्टमाइज कर रहा हूँ, ओके। और इसमें आप लोग अपने हिसाब से टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट की पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे टाइम भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 की लिया, आप ऐड पे क्लिक करके एक और की ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग चाहो तो डबल स्नाइपिंग के लिए फास्ट एकदम धराधर वाला की मैप इजिली कर सकते हो डबल स्नाइपिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैक्रो लगा दिया। तो अब चलते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में और इसे चेक करते हैं कि क्या हमारा सारा की मैप और ये यहाँ पे मैक्रो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। और ये मैंने अभी तक का पूरा फुल फास्ट मैक्रो लगाया इस एप्लीकेशन का। और यहाँ पर देखो भाई, ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो गया यार, मतलब ये प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा था, हमें इसे थोड़ा सा स्लो करना होगा। और ये फास्ट रिमोट में भाई लिटरली तबाही मचाने वाला है। तो यहाँ पे मैं फास्ट रिमोट पे भी लगाऊंगा, पहले तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। बहुत टाइम लगा बट मैंने इसे सेट कर लिया। तो यहाँ पे देखो इसका टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे जो मैं टाइमिंग यूज़ कर रहा हूँ सेम आपको वही टाइमिंग यूज़ करना है, 1 सेकेंड का आप लोग इजिली टाइमिंग लगाना, तब जाके यहाँ पे ये क्राउच रन परफेक्ट वर्क करेगा। देखो यहाँ पे अब ये यहाँ पे बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है। चाहो तो आप इसमें बहुत फास्ट इमोट के लिए भी लगा सकते हो, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। और डबल स्नाइपिंग के लिए तो भाई नेक्स्ट लेवल ये वर्क करने वाला है। अब मैं यहाँ से फास्ट इमोट के लिए मैक्रो लगाने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें फिर से चेंज पे जाना होगा। चेंज में जाने के बाद यहाँ पे एक की ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 5 क्यों आ गया यार, चलो इसे डिलीट करते हैं। यहाँ से मैं एक बटन लेने वाला हूँ, वो टी होने वाला है, ओके। टी से मैं यहाँ पे फास्ट इमोट लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसके एडिट में जाएंगे, देन मैक्रो में फिर से यहाँ पे एडिट पे जाके यहाँ पे 2 बटन ले लेना है, ओके। ऐड पे डबल मैंने क्लिक कर लिया एंड एक बार यहाँ पे हमें जो कंट्रोल्स जो रहता है इमोट का उस पर रखना है, सेकंड यहाँ पे इमोट के सर्कल पे रखना है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे इसका टाइमिंग में डिफ़ॉल्ट ही रहने देता है। डिफ़ॉल्ट में जब हम देखते हैं, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये प्रेस वाला हो गया, मतलब लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। तो लॉन्ग प्रेस के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके यहाँ से इस मैक्रो के एडिट पे जाना है एंड होल्ड एंड लूप वाला जो ऑप्शन है तो यहाँ पे हमें उस पे क्लिक करके कन्फर्म कर देना है, देन यहाँ पे इसे सेव कर देना है, ओके। एंड यहाँ पे अब देखो होल्ड प्रेस करते तो यहाँ पे ये होल्ड वाला तो वर्क कर रहा है बट ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अब मैं यहाँ से इसे फास्ट करने वाला हूँ और इसका कस्टम टाइमिंग का यूज़ करने वाला हूँ मैक्रो का, ओके। तो यहाँ पे इसमें एकदम फास्ट मैक्रो क्या होने वाला है, तो अभी यहाँ से हमें इसे चेंज करना है। तो इसे एडिट की पे जाते हैं एंड फिर से यहाँ पे देखो 2 जो मैंने एडिट किया था मैक्रो, सेकंड वाले को 0.3 रखना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले को पूरा फुल 0 करके रखना है, तभी जाके ये पूरा फुल फास्ट इमोट लगाएगा। एंड ये हो गया मेरा पूरा फुल की मैप डन। अब देखो एंड अब यहाँ से हम करते हैं गेम प्ले टेस्ट। तो देखो भाई ये वाला स्टैंड मैं इसीलिए बोला था, देख रहे हो, मतलब पूरा ये टेबल पे सटा हुआ है यार, मतलब गेम प्ले करने का क्या ही मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी अपना वाला एक मोबाइल होल्डर का यूज करने वाला हूँ और अब देखो भाई, अब आया ना वीडियो में थोड़ा जान इस वाले होल्डर का यूज़ करके। और इसका गेम प्ले टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को भाई सेंसिटिविटी इसका सबसे मेन है और इसमें सेंसिटिविटी भाई लिटरली बहुत स्टेबल देखने को मिलता है, इसमें सेंसिटिव में कोई इशू नहीं है। और अभी तक तो गेम प्ले किया तो और इसमें हमें जॉयस्टिक इशू भी देखने को नहीं मिला और यहाँ पे जॉयस्टिक भी इसमें परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे ये ब्लूटूथ कन्वर्टर है तो इसमें जॉयस्टिक इशू थोड़ा ना थोड़ा होगा ही, क्योंकि ये फायर करते टाइम में भी थोड़ा बहुत इशू दे सकता है, बट यहाँ पे ये ओवरऑल बहुत परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो भाई ये रहा 4-in-1 गेम कॉम्बो पैक का फुल रिव्यू। अगर आपके पास कीबोर्ड एंड माउस नहीं है और अगर आप चाहते हो एक कन्वर्टर लेने के लिए तो अलग से आपको कीबोर्ड एंड माउस भी मंगाना ही होगा, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग इस 4-in-1 गेम कॉम्बो पैक का यूज़ कर सकते हो। इसमें आप लोग कीबोर्ड माउस के साथ साथ एक कन्वर्टर भी देखने को मिल जाता है, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, तो इसे आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो इसका आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इसे 3,499 रुपीज़ में बाय किया था एंड इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, तो इसमें आप लोग जब भी अगर माउस कर्सर को हाइड एंड शो करते हो तो ये ऑटोमेटिक बीच में नहीं आता है और इसका माउस कर्सर हाइड एंड शो करने के लिए आप लोगों को माउस का मिड बटन ही प्रेस करना होता है। पर इसमें ग्लूवॉल का भी इशू देखने को मिलता है, लाइक इसमें जब आप लोग फास्ट ग्लूवॉल लगाते हो तो भाई ऑटोमेटिक जो स्क्रीन है वो आसमान के ऊपर चला जाता है और यहाँ पे ग्लूवॉल नहीं लग पाता है।
और अगर इसके एडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बार बार माउस कर्सर हाइड एंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और यहाँ पे इसमें एकदम स्टेबल सेंसिटिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और मिक्स प्रो के साथ साथ मैंने बहुत सारे कन्वर्टर्स का भी ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, लाइक फ्लाइट जी Q1 हो गया या फिर M1 प्रो हो गया, उन सभी पे मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, और उन सभी पे इसका कंपेयर वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज यहाँ पे फ्लाइट जी Q1 में जब आप लोग माउस कर्सर हाइड एंड शो करते हो तो वो ऑटोमेटिक मिड में चला आता है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हमें एक कंपेयर वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं। बाय द वे यहाँ पे आप लोग मिक्स प्रो पे देखो तो यहाँ पे हमारा सारा की मैप परफेक्टली वर्क कर रहा है। WASD प्रेस कर रहा हूँ तो ये मस्त जॉयस्टिक मूव कर रहा, आगे पीछे ऊपर नीचे इजिली ये कर रहा है, और मैं यहाँ पे गन स्विच कर रहा हूँ तो गन स्विच भी इजिली कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग की बाइंड करके इजिली गेम प्ले कर सकते हो। माउस का भी सारा बटन वर्क कर रहा है, मैं माउस का जो राइट बटन है उसे ग्लूवॉल के लिए यूज करता हूँ, वो सब यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। और माउस कर्सर भी यहाँ पर देखो, इससे आप लोग चाहो तो जिपलाइन के लिए यूज करो या फिर किसी भी चीज को यूज करने के लिए, लाइक यहाँ पे अगर सामान को इक्विप करना हो, सामान उठाना हो, लूट करना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे माउस कर्सर का यूज कर सकते हो। और माउस कर्सर को हमेशा जब राइट साइड पे ही हाइड करोगे तब यहाँ पे जॉयस्टिक इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये बात ध्यान में रखना, ये बेस्ट टिप्स है। ओके, आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके भी बता देना कि भाई हमें कंपेयर वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि भाई पांडा माउस प्रो भी अभी बहुत तगड़ा टक्कर दे रहा है कन्वर्टर्स को। तो बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।